बैक। अभी तक हम स्ट्रेस के बारे में देखे, फर्स्ट में शुरू किए थे बॉडी फोर्स इक्विलियम, बॉडी फोर्स इक्विलियम, उसके बाद स्ट्रेस एट ए पॉइंट। अब हमारा तीसरा चैप्टर आया स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन एट ए पॉइंट। स्ट्रेन एट ए पॉइंट, स्ट्रेन एट ए पॉइंट देखेंगे। इसमें लैग्रांजेस का एक थ्योरम है और एक दो है जो कि थोड़ा सा आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन इससे भी होंगे। तो आप स्ट्रेन तो आप जानते ही क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो सपोज किया कि एक बार है, इसका लेंथ एल है, इनिशियल अनडिफॉर्म है या इनिशियल कंडीशन बोलिए, और इनिशियल कंडीशन बोलिए अनडिफॉर्म बोलिए या इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और आफ्टर डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ, एक वर्टिकल डिफॉर्मेशन हो गया या फिर हॉरिजॉन्टल डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने देखा कि मान लीजिए कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो डिफॉर्मेशन ही होगा, ये वर्टिकल हुआ तो ये डिफ्लेक्ट हुआ और कंप्रेस हुआ, ठीक है। तो अब मेरा डिफॉर्म हो चुका है बॉडी, तो फाइनल डिफॉर्मेशन फाइनल कंडीशन है फाइनल डिफॉर्मेशन। अब डेल्टा से गया इसका फाइनल लेंथ जो है एन है, ठीक है। तो एक इंजीनियरिंग स्ट्रेन अगर कहते हैं चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ये तो आप जानते हैं चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बाई इनिशियल, ओके। इसको डिनोट करते हैं, ठीक। उसको कहते हैं फाइनल लेंथ एंड इनिशियल लेंथ, ये तो जानते हैं। फिर उसको कहते हैं लैग्रांजियन स्ट्रेन मिलेंगे। अब लैग्रांजियन सर ने जो स्ट्रेन का फॉर्मूला दिया था वो कुछ अलग है जो कि आप बीटेक में नहीं पढ़ेंगे, ये एमटेक के लिए, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा एडवांस है, बस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फाइनल लेंथ का स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ का स्क्वायर एंड टू एल स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या है, फाइनल लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ होगा क्या इनिशियल लेंथ प्लस चेंज, फाइनल लेंथ क्या होगा इनिशियल लेंथ प्लस चेंज। तो फाइनल लेंथ को हम इनिशियल लेंथ प्लस चेंज तो लिख ही सकते हैं ना, प्लस में हो या माइनस हो डजंट मैटर, ठीक। उसके बाद माइनस एल स्क्वायर, अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप कर लीजिए ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया बोथ साइड, ये जो बटा उसको डिवाइड कर दिए, तो ये क्या आ रहा है इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लस हाफ ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन का स्क्वायर, क्या है इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लस हाफ ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेन का स्क्वायर, ओके। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे बोलेंगे सर ये तो छोटा क्वांटिटी है स्मॉल क्वांटिटी है, जब भी कभी आप स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो और स्मॉल हो जाता है। एक छोटा क्वांटिटी है स्मॉल क्वांटिटी है, जस्ट लाइक ये देखिए इसे पॉइंट 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.5 × 0.5 1/2 × 1/2 क्या हो गया 1/4 हो गया, यानी 0.25 हो गया, ठीक। ये कितना छोटा हो गया स्क्वायर के दो बार इसको मल्टीप्लाई किए ये और छोटा हो गया 0.25 हो गया। तो यहाँ भी ना छोटा है स्मॉल क्वांटिटी है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर करें तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन नहीं इसका भी कंसिडर करना है क्योंकि आप ना एक एडवांस लेवल का कर रहे हैं क्लास और इसमें छोटा सा डिफ्लेक्शन भी बहुत काम का चीज़ है। मान लीजिए कोई मशीन डिजाइन कर रहे हैं, कोई ऐसा मशीन है कोई व्हीकल है उसमें एक mm का भी ना आपको कंडीशन का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो पास का है जब बहुत सारा शाफ्ट होते हैं शाफ्ट का ऐसा ऐसा टर्म एंड कंडीशन होता है जो शाफ्ट के अंदर वो रोटेट करते हैं, अगर वो 1 mm का भी डिफ्लेक्शन आ गया तो उसमें घर्षण आ जाएगा उसमें फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, फिर वह अच्छा से चल नहीं पाएगा, फिर उसमें ब्लॉकेज क्रिएट होगा बार बार ठक 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 ऐसा कुछ आवाज आएगा। इसलिए ना एक छोटा सा भी अमाउंट कितना छोटा क्यों ना उसको कंसिडर करना पड़ेगा एज ए डिजाइनर। और एक देखिए इसी का जो अभी देखे थे हम, तो उसका प्रूफ स्ट्रेन है, प्रूफ स्ट्रेन, तो
2% होता है माइल्ड स्टील का, जब हम लेते हैं तो कितना कितना लेते हैं 0.2% स्ट्रेंथ, तो 0.2% मैंने इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ रखा। उसके बाद इस वैल्यू को मैंने पुट किया तो 2/1000 उसका क्या कितना अमाउंट चेंज हो रहा है, 0.0000202 कितना अमाउंट से ये चेंज हो रहा है, इसको भी आपको कंसिडर करना है। इसमें ये है ठीक। उसके बाद आता है एक दो और वैल्यू हैं जो अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग वैल्यू दिए हुए हैं, तो उनको देख लेना है बस। अलमोनसी स्ट्रेंथ ES लिखाते हैं इसको, फाइनल लेंथ का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × फाइनल का स्क्वायर। देखिए फाइनल है, उसमें इनिशियल था, इसमें फाइनल है ओके। एंड एक लॉगरिथमिक है जो चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है उसमें लॉग लगता है बस। ओके थैंक यू।